नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र और शिक्षक इकट्ठा हुए हैं। इन शिक्षकों और छात्रों का आरोप ये है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी बड़ी नीति को फ्रेम करने में ना उनसे किसी भी तरीके की बातचीत की गई, ना ही उनसे कोई कंसल्टेंसी की गई। इसका पूरा असर यह है कि तमाम सेक्शंस जिनके लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो दलित हैं, आदिवासी हैं या मुस्लिम्स हैं, वो इस पूरी शिक्षा से कहीं ना कहीं बाहर होते जाएंगे। साथ में उनका आरोप ये भी है कि ये पूरी नीति कहीं ना कहीं निजी विश्वविद्यालयों के पक्ष में झुकी हुई है। यहाँ पे आए कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, सुनिए उन्हें। देखिए, स्कूली शिक्षा के ऊपर इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ने वाला है। स्कूली नीति शिक्षा का, खासतौर पर जो सार्वजनिक ढांचा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है। उसकी दो तीन मुख्य वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जिस तरह से इन्होंने कंट्रेक्चुलाइजेशन को एक तरह से उसका मतलब उसको मान लिया है, समर्थन दिया है, उससे जो है कभी भी लगातार नियमित भर्ती नहीं होगी और टीचर को बहुत थोड़े कम वेतन के पास रखेंगे। दूसरा पक्ष इसी से जुड़ा हुआ है कि वो युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन के नाम पर जिस तरह से स्कूलों को बंद करके दूसरे स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है शिक्षा की गुणात्मक स्तर और शिक्षा की पहुंच दोनों पे असर पड़ेगा। NEP जो आपको मल्टीपल एग्जिट एंट्री का पूरा सिस्टम लेकर आता है, उसमें वो बोलता है कि हर साल में एक स्टूडेंट कॉलेज छोड़ सकता है, वो कोई और कोर्स ले सकता है, उसको उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा, इस तरीके से पूरा उसको डिग्री मिलेगा हर साल। तो जब एक महिला आती थी कॉलेज पहले, NEP से पहले, तो वो 3 साल का ये ब्रेक लेकर आती थी कि घर वाले उसको प्रेशर नहीं करेंगे शादी करने के लिए। लेकिन अब घर वाले ये बोलेंगे कि आपको तो डिग्री चाहिए थी ना, हर साल बाद एक डिग्री मिल ही रही है, तो सर्टिफिकेट लेकर निकल जाओ, एक डिग्री लेना था, तो एक साल बाद उसका प्रेशर आ जाएगा कि शादी कर लो, क्योंकि आगे तो जाके तुमको कुछ करना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो पढ़ाई वैसे भी महंगा हो रहा है, तुम्हारा तो फीस हर साल वैसे ही बढ़ रहा है, हम लोग अफोर्ड तो कर नहीं सकते हैं। और घर में जिस तरीके से पैसा बटता है, खर्चा जो एजुकेशन पे होता है, वो सबसे पहले एक बेटे पर होता है, उसके बाद बेटी पर होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है NEP डॉक्यूमेंट और उसमें लिखा है कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आएगा, जो कॉलेजेस पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लगाया जाएगा, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सब कुछ डिसाइड करेंगे, वेरिएबल पे स्ट्रक्चर होगा, सबको स्टैंडर्डाइज्ड सैलरीज नहीं मिलेंगी। तो ये इन सब का एक ही तरफ इशारा है या इंडिकेशन है कि ये सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। वर्कलोड कम किया जा रहा है, परमानेंट टीचर, एडहॉक टीचर्स को गेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी एडहॉक टीचिंग पोजीशंस बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, परमानेंट पोजीशंस जो भर रहे हैं वो एक सर्टेन डिस्पेंसेशन ऑफ टीचर्स के भर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि SEC VAC कोर्सेज आगे चल के ऑनलाइन बन जाएंगी, अंडर ABC कोर्सेज, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जहां आप कहीं भी जाके किसी क्लस्टर सेंटर पे जाके या किसी ऑनलाइन सेंटर में जाके आप क्रेडिट लेके उस कोर्स को कर सकते हैं, टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। तीसरा उसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरह से इन्होंने स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट लाया है और ये कहा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम खासतौर पर 8 फीट बड़े बड़े स्कूल नहीं, 6-7 स्कूलों को एक जगह पे, एक सेंटर पे उनके कुछ विषयों को मर्ज कर देंगे। उदाहरण के लिए आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, इस तरह के विषयों के शिक्षक स्कूलों में नहीं रहेंगे। वो केवल सर्कस के जैसे शो दिखाते हैं ना, सर्कस करने वाली टीम, उस तरह की उनकी नियुक्तियाँ होंगी कि आज एक स्कूल में, कल दूसरे स्कूल में, परसों तीसरे स्कूल में हैं, जिससे ना केवल बच्चों की इन विषयों की शिक्षा प्रभावित होगी, बल्कि ऐसे विषयों में को पढ़ाने वाले शिक्षकों का किसी भी तरह का कोई स्थायी भविष्य नहीं दिखता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरह से वो जितने स्कूलों को खाली करवा रहे हैं मर्जर के नाम पर, उन संपत्तियों को किस तरह से कारपोरेट हाथों में वो लगातार बेच रहे हैं और औने पौने दाम पे बेच रहे हैं। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ये वर्ण व्यवस्था है एजुकेशन में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। और एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, वो पंचम वर्ण है, जिसको एजुकेशन से बाहर रखा जाएगा, जिसको थोड़ा सा
शूद्र है उसको एक साल पढ़ सकता है, वैश्य है वो दो साल पढ़ सकता है, क्षत्रिय तीन साल पढ़ सकता है, ब्राह्मण के लिए तो पूरा देश ही है। ये बेसिकली एक मजाक है और देश की जनता के साथ मजाक है। और जो ऊंची जाति के सवर्ण होंगे उनको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो EWS वाले हैं उनसे ज़रा पूछिएगा जाके कि अशोका यूनिवर्सिटी में कैसे आप पढ़ेंगे। पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़े 424 रुपये फीस देकर पढ़े, आज एक सेमेस्टर का कहीं 32,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 25,000 है, एक सेमेस्टर कह रहा हूँ मैं, एक सेमेस्टर। इस सरकार ने किसी भी नीति के बारे में लोगों से किसी तरह की नेगोशिएशन कंसल्टेशन कुछ नहीं करते। ये एक दिन जैसे पुराने ज़माने में शहंशाह करते थे ना, एक दिन नीति लागू हो गई, लागू हो गई तो लागू हो गई, उसके बाद आप कोई उसके बारे में बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा अभी भी ढांचा तो थोड़ा डेमोक्रेटिक है। अब बात है कि इससे पहले भी देश में हमने देखा है बहुत सारे पॉलिसीज़ को लागू करवाया गया है, लेकिन तमाम सारे क्रिटिसिज्म आने के बाद अगर उसके नेगेटिव रेस्पॉन्सेज रहे हैं तो सरकारें ने उनको वापस लेने की भी सोची है, जो कि आज का सरकार ने भी किया है। बीजेपी का अगर देख ले हिस्ट्री, 2013 में जब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स FIUP के तहत एडमिशन लिए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका जो इम्पैक्ट थे उस समय पर टीचर स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे कि ये किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स की एडुकेशन को या पब्लिक फंडेड एडुकेशन को और एक्सेसिबल या किसी भी तरीके से मॉडर्न पॉजिटिवली नहीं बना रहे हैं, जबकि उसके बहुत सारे और प्रॉब्लम्स FIUP में झलक रहे थे उस समय पे। हालांकि दूसरा पार्टी सरकार में था, लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदला, बीजेपी केम इनटू पावर, दे टुक इनटू कंसीडरेशन और उनका एजेंडा ये एक था कि FIUP को लागू नहीं करवाना चाहिए। लेकिन आज जब बीजेपी खुद पावर में है, वो उसी पॉलिसी को दोबारा से पहली बार तो लेके आ रहे हैं, और इसमें जो एग्जिट का ड्रॉप, मतलब बहुत आराम से बोल दे रहे कि एंट्री एग्जिट को हम लोग खुलेआम छोड़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स पे, बाकी बहुत सारी चीज़ों में स्कॉलरशिप्स को काटने की बात हो रही है, मानव को डिसकंटिन्यू किया गया है, CUET को लागू किया गया है, पिछले 2-3 दिन पहले ही कंप्यूटर साइंसेज की नेट का एग्ज़ाम था, और NTA जब ये एग्ज़ाम बहुत सालों से नेट का ले रहा है उसमें धांधलियाँ पे धांधली हो रही है, अब CUET में भी धांधली दिख रहा है। जो मैंने 60 पेज का डॉक्यूमेंट था वो पढ़ा था, उसमें मैं आंकड़े दे देता हूँ। एक रिजर्वेशन का 0 बार जिक्र है, सोशल जस्टिस का 2 बार जिक्र है, SC ST OBC का 2-2 बार सबका जिक्र है, और ऑटोनॉमी का 21 बार जिक्र है। ऑटोनॉमी मतलब क्या? वो एकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं, दुकान खोलने का ऑटोनॉमी, और उसमें से 16 बार हायर एजुकेशन के संदर्भ में जिक्र है। ऑनलाइन एजुकेशन का 50 बार जिक्र है और डिजिटल एजुकेशन का 38 बार जिक्र है। पूरा आप देखेंगे अगर मिला जुला कर तो किस दिशा में जा रहा है। इसमें आप SC ST OBC माइनॉरिटी सब बाहर है। लेटेस्ट आंकड़ा भी बता सकता हूँ, इसको अगर पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट को तो बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, 2000 साल पहले की ग्लोरी वापस लानी है। तो ये बताइए कि किसी SC ST OBC से पूछिए कि 2000 साल पहले जो ग्लोरी था उसमें जाना चाहोगे? कोई जाना चाहेगा? नाम ले रहे हैं सारे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन का, काम करेंगे सारे मनुस्मृति का, और यह कारण नहीं है कि BHU में मनुस्मृति का अब कोर्स लागू कर दिया गया है। ठीक, तो ये बेसिकली ये सरकार जो है ये पूंजी और मनु का पूरा खेल है। मैंने जो 3 मुद्दे पहले कहे, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे स्कूल कम्प्लेक्सेस में विषयों में लोगों की नियुक्ति हो, या स्कूलों की पहुंच हो क्लोजर और मर्जर के थ्रू, सबसे ज़्यादा असरात इन 3 प्रावधानों के जो पड़ेंगे वो विकलांग लोगों के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि विकलांग लोग जो हैं वो मुख्य रूप से आर्ट्स और उससे एसोसिएटेड सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए जो है वो अपनी तालीम हासिल करते हैं, चाहे संगीत हो, कला हो, या इवन विशेष स्पेशल एजुकेशन के दूसरे कंपोनेंट हैं जिनको वो इन स्कूलों में शिफ्ट करेंगे, उनमें पढ़ाने वाले लोगों के में से काफ़ी संख्या विकलांग व्यक्तियों की होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी किया है, जैसे कि असम और देशों और प्रदेशों में उन्होंने ये बोला है कि कोई टीचर
कोई शिक्षक या स्टूडेंट जो इस नीति के खिलाफ बोलेंगे उनकी नौकरी भी चली जाएगी या उनकी एडमिशन खत्म की जाएगी। सो हर तरह से जहां आपको पैसे रोक के आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जहां उनको धमकी दे के ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नतीजा ये है कि किसी को आप लोगों की तो बात ही नहीं सुन रहे। और शिक्षा जो है वो लोगों के लिए है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप ख़त्म कर रहे हैं। इन्होंने ये जब ये कहा है कि जब हम स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आसपास के जो स्कूल हैं उनको एक दूसरे में मर्ज करेंगे, ये संवैधानिक रूप से जो शिक्षा का मूल अधिकार है उसके भी खिलाफ है। और जितने भी इससे पूर्व के नियम और नीतियां हैं जिनमें ये कहा गया खासतौर पे शिक्षा के अधिकार में कि हम 1.5 से 3 किलोमीटर के रेडियस में प्राथमिक स्कूल खोल लेंगे और 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में मिडल और हायर स्कूल खोलेंगे, इन दोनों प्रावधानों का वो उल्लंघन होगा। और इसी तरह से स्कूलों की पहुंच के मामले में भी अगर किसी पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा वो विकलांग विद्यार्थियों के ऊपर पड़ेगा। बात ये है कि स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टीचर्स ग्रुप को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनईपी सब इन तमाम सारे कम्युनिटी को जो एजुकेशन सिस्टम्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है इनको इम्पैक्ट कर रहा है, इवन जो स्टेक होल्डर्स है उनको लगता है कि ये पॉलिसी उनके लिए हानिकारक है। तो हमें ये लगता है कि सरकार में जो पॉलिसीज लिए जा रहे हैं वो बिना सोचे समझे या ये स्टेक होल्डर से बिना बात किए या उनका विचार बिना सुने लिया जा रहा है। तो इसीलिए अभी भी टाइम है कि एनईपी में एक सुधार लाया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। ऑब्वियसली खराब लगता है कि हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स, हमें फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा, तो हमें पूछना चाहिए। हम इस सिस्टम के अंदर हैं, हम पढ़ाते हैं, हम पैशनेटली पढ़ाते हैं, कभी कभार शाम शाम तक रुक कर पढ़ाते हैं अगर सिलेबस नहीं ख़त्म होता। 5 लेक्चर अ वीक में ही सिलेबस ख़त्म नहीं होता, अब हम वो 3 लेक्चर अ वीक में कैसे पढ़ाए, ये पूछना तो चाहिए था हमें। प्लस जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ उसका कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर कुछ निकाल भी देंगे वो भी ठीक नहीं है। जैसे अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सिलेबस से कुछ पार्ट्स निकाल दिए जाए तो वही बच्चे एमए में जाके सफ़र करेंगे, तो हम कुछ निकाल भी नहीं सकते। सिलेबस ऐसे डिज़ाइन था जैसे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है वो सिखाया जाए बच्चों को, तो सिलेबस कम नहीं हो सकता। आपने नंबर ऑफ़ क्लासेस कम कर दिए, आपने टीचर से नहीं पूछा जो पढ़ा रहे हैं उनको, 5 क्लासेस में ही ख़त्म करना मुश्किल होता है, आप 3 लेक्चर में पढ़ाने को बोल रहे हो, आप इतना कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ना स्टूडेंट से पूछे ना टीचर से पूछे, तो ख़राब तो लगेगा ही। हम सिस्टम है, हम यूनिवर्सिटी है, वी आर द यूनिवर्सिटी, और हमसे ही नहीं पूछा जा रहा, तो हम एलियनेशन तो लग ही रहा है कि वी आर बीइंग एलियनेटेड। आर दे सीरियस अबाउट एकेडमिक्स, कि कथावाचक तैयार करना चाह रहे हैं, कोई सिलेबस नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, और जाके देखिए 3-3 महीने 2-2 महीने में सेमेस्टर पूरा हो रहा है। एज ए टीचर हम लोग जानते हैं ना स्टूडेंट कितना स्ट्रेस में है, हम लोग ओवरबर्डन उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही स्टूडेंट 6-6 क्लासेस कर रहा है, सब असाइनमेंट देना है, ये देना है। अरे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा था क्या? सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स अब यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ ब्राइटेस्ट टीचर्स रहे हैं, लेकिन मिला जुला को इनको पूरा डिसमेंटल करना है। इसीलिए किसी से कोई कंसल्टेंसी नहीं, सीधा ऊपर से जो है मशीन बना के इसको बर्बाद कर दो सीधा, उसके बाद जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है जगह खोली। तो जाके देख लीजिए देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, भट्टा बैठ गया। उसी तरीके से जो दुकान खुलेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम पर, सब लोग तो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो नहीं दे पाएंगे तो ये सब अपने आप भट्टा बंद होना है, पूरे भारत को निरक्षर भारत बनाने के चक्कर में।